सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का मोरावदी मैदान में जो मेला चल रहे हैं स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। और चूंकि नववर्ष में हम लोग हैं, आप सबों को, प्रत्येक को मेरी ओर से, खादी बोर्ड की ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं। और आप लोगों के माध्यम से रांची वासियों और झारखंड वासियों को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। मेल ये प्रेस वार्ता बीच में क्यों, ये इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं सोचा कि ये अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट आएगा कि हम लोग जो 31 दिसंबर मतलब पिछले साल को पार करके हम नए साल में आए हैं और मेला में क्या आगे इवॉल्विंग हो रहा है उसका थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से। तो सबसे पहले है कि जिस तरह का रेस्पॉन्स हमें कल 1 जनवरी को मिला, करीब 50,000 के आंकड़े के आसपास या पार हुई होगी। आप लोग खुद देखे होंगे कि क्या भीड़ उमड़ी थी। उसे पहले 31 को भी अच्छा खासा भीड़ था, करीब 30-35,000 के रेंज में ज़रूर होगा। तो लगातार लोगों का जिस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हम आप लोगों के माध्यम से और रांची वासियों को ये अपील करेंगे, अभी भी मेला जारी है, 8 जनवरी इसका अंतिम समापन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, खरीदारी करें। और जो मुझे सूचना है कि जो जितने स्टॉल्स वगैरह हैं सबकी बिक्री अच्छी है, चल रही है, तो यही मैं बोलूँगा। साथ ही जो हम आंकड़ा जो है कुछ एक दिन में, फिर ऐसे बीच में हम लोग जो प्रेस रिलीज़ के तौर पे आंकड़ा एग्जैक्ट हम लोग देंगे, लेकिन मोटा मोटी अच्छा उनका बिक्री हो रहा है। लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब खरीदारी कर रहे हैं। आप फर्नीचर से लेकर, कारपेट से लेकर, आप तमाम तरह के उत्पाद हैं अलग अलग राज्यों से जो बुनकर कारीगरों का है। क्योंकि हमारा मकसद जो है, खादी जो मेला होता है एक बड़ा प्लेटफॉर्म की तरह है, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। और आप जैसे होंगे बताए ही होंगे पहले प्रेस वार्ता वगैरह में कि कोविड के चलते लोग वो सेक्टर जो है बहुत बैडली इफ़ेक्टेड था, बहुत बैडली हिट था। तो एक मैंने एक बोलेंगे कि एक आमदनी का स्रोत जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह का मेला का आयोजन करके उनको हम लोग अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश किए हैं। उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उनकी बिक्री हो रही है, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फूड कोर्ट वगैरह में भी लोग जो हम देख रहे हैं, जो भीड़ भाड़ है, यहाँ के लोकल क्विजिन झारखंड के वो खूब मैंने लोग ले रहे हैं, उसी तरह बाहर के भी हैं, ये तमाम चीज़ हैं। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि सेल्फी पॉइंट हमारा जो है वो बहुत हिट हो रहा है, लोग काफ़ी सेल्फी ले रहे हैं। तो जैसे आपने बताया ना कि काफ़ी बुनकर या जो कारीगर हैं वो खुश हैं, उनकी सामान बिक्री हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ा आयोजन से। और ऐसे भी लोग हमें आयोजन के पहले काफ़ी संपर्क कर रहे थे कि मेला का आयोजन कर रहे हैं कि नहीं, कब होगा। तो आप देख रहे हैं कि भीड़ जो आ रहा है वो अपने आप में प्रूव करता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। एक सवाल है, JSLPS का बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है और JSLPS के कर्मी वहाँ पर धरना बैठे हुए राजभवन के सामने, नहीं मुझे जानकारी नहीं है। देखिए लुभावना अगर देखा जाए तो हम लोग स्पेसिफिक नहीं कह रहे, वो बाद में हम लोग उसको प्राइज़ के तौर पे देंगे। हमारा टीम जो है वो घूम घूम के वो डाटा कलेक्ट करेंगे, वो फाइनल आपको पता चलेगा कौन सा है, जो हम समापन समारोह में उनको हम लोग प्राइज़ देंगे। लेकिन ओवरऑल है हर जगह लोग भीड़ देखने को मिल रहा है। और चाहिए और झारखंड में जो हमारा मेला प्रसिद्धि दे रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिजिटल मीडिया को ही आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्यों बुलाया है? देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हम बोलेंगे सोशल मीडिया है, आज के डेट में बहुत इफेक्टिव मीडियम बना है, ग्लोबली या लोकली जैसे बोलें। अब हर लोगों के पास, अमूमन में बोला कि सबके पास स्मार्टफोन है और ये है, तो हम महसूस किए कि हम और लोगों से ज़्यादा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रीच हों, तो इसलिए मैं बोला कि क्यों नहीं हम डिजिटल एक मीडिया एक फॉर्म है उसको मैं इनवाइट करूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट हूँ। अभी 6 दिन वही बोला था, फाइनल देते रहेंगे जैसे जैसे मैंने कंप्लीट पिक्चर क्लियर होगा। तो मोटा मोटी जो अभी 31 दिसंबर तक की जो हम बता रहे हैं लगभग 1 करोड़ के आसपास है, ठीक है। सारे अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।